दोस्तों, एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच 28 अगस्त को होने वाले मुकाबले से पहले विराट कोहली सहित टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, विराट कोहली 3 हफ्तों के ब्रेक के बाद एशिया कप से मैदान में वापसी कर रहे हैं, जहां भारत का पहला ही मैच धुर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से है। बट पड़ोसी मुल्क से एक अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि उनके स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी चोट की वजह से एशिया कप को मिस कर सकते हैं, जो विराट और भारतीय टीम के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि यही वो गेंदबाज है जिसने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की तिकड़ी विराट, रोहित और राहुल को कुछ ही गेंदों में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है। और बात करें विराट कोहली की, तो वो काफी लंबे वक्त से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के सामने जूझ रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ पिछली T20 सीरीज ही क्यों न हो। बट विराट फॉर्म में वापसी कर लेते हैं तो किसी गेंदबाज से कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर्म में वापसी से पहले यह विराट और टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगा पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।